पुलिस है वो सीसीटीवी कैमरे से डरती है, मैं यही कहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम थिराजू हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल रंगीलो झुंझुनू में। आज बात करेंगे झुंझुनू जिला प्रशासन जिला पुलिस। आपने कई बार पुलिस के अफसरों को, अधिकारियों को, पुलिस को ये कहते हुए और अपील करते हुए सुना होगा कि ज्यादा से ज्यादा जहां तक संभव हो सके सीसीटीवी कैमरे लगाइए ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके, और अगर कोई घटना हो भी जाती है तो उस घटना का पर्दाफाश किया जा सके अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि झुंझुनू पुलिस के साथ ही प्रदेश भर की जो पुलिस है उसे खुद सीसीटीवी कैमरों से डर लगता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट का एक वो आदेश कह रहा है जिसकी सरे आम धज्जियां हमारे झुंझुनू जिला पुलिस है वो उड़ा रही है। बात करते हैं हमारे झुंझुनू जिले के एक आरटीआई कार्यकर्ता दिलीप सिंह की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला देते हुए झुंझुनू पुलिस थानों के लगभग 20 पुलिस थानों से सूचना मांगी सीसीटीवी कैमरों की। और वो क्यों मांगी वो मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिस आदेश के तहत ये कहा गया है कि सभी जो पुलिस थाने हैं उनका चाहे हवालात हो, उसका जो एंट्री गेट है वहां से निकास का है दोनों साइड दिखाई दे, हर कोना पुलिस थाने का हर कोना सीसीटीवी कैमरे की नजर में होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन उस आदेशों की पालना हमारे झुंझुनू जिले के कौन से पुलिस थाने कर रहे हैं ये सोच के आप अचंभित हो जाओगे। 20 पुलिस थानों से जब इस बारे में सूचना मांगी गई तो उनमें से 15 थाना अधिकारी जो हैं उन्होंने ही सूचना दी, और उसमें से भी आपको बता दें कि 6 पुलिस थाने झुंझुनू जिले के ऐसे हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। इसके अलावा 5 पुलिस थाने ऐसे हैं जिनमें कैमरा तो लगाया गया है लेकिन उनका जो बैकअप है उसमें जो रिकॉर्डिंग रहती है वो मात्र 15 दिन के लिए रहती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि जो कैमरे लगाए जाते हैं लगभग पूरा पुलिस थाना उसकी हर जगह है कैमरे की नज़र में आ जाए, इस तरीके से कैमरे लगाने हैं और उसमें जो रिकॉर्डिंग है या बैकअप है वो 1 साल से 1.5 साल के बीच रहनी चाहिए, उसकी पालना कहीं भी नज़र नहीं आती। इसके अलावा बच्चे जो 4 पुलिस थाने हैं उनमें कैमरे तो लगाए गए हैं लेकिन वो नाम मात्र के या खराब पड़े हैं, और उनमें जो बैकअप है वो सिर्फ 15 दिन का। अब आपको मैं वो पुलिस थाने भी बता देता हूं कि कहां कहां इस तरीके की चीजें चल रही हैं। उदयपुरवाटी थाने में 2 कैमरे लगे हैं, सभी काम कर रहे हैं और उनमें 15 दिन का बैकअप है। नवलगढ़ थाने में 5 कैमरे लगे हुए हैं और उनमें भी जो बैकअप है वो 15 दिन का है। इसके अलावा अगर बात करें तो मंडावा, बुहाना, बिसाऊ, मलसीसर, पचेरी कला और मुकनगढ़ में कोई सीसीटीवी कैमरा इन थानों में नहीं लगा हुआ। चिड़ावा में 11, सिंगाणा में 5, पिलानी में 7 और खेतड़ी नगर थाने में 3 कैमरे लगे हुए हैं लेकिन वो खराब पड़े हैं। अब दोस्तों आप समझिए कि जो पुलिस हमें ये अपील हमसे करती है, जो संस्थान हैं, दुकानें हैं, घर हैं वहाँ कि आप सीसीटीवी कैमरे लगाइए ताकि अगर कोई घटना हो जाए तो उस अपराधों पर अंकुश भी लगाया जा सके और उन लोगों को पकड़ने में आसानी हो जाए, उस घटना का पर्दाफाश करने में आसानी हो जाए, लेकिन खुद पुलिस है वो सीसीटीवी कैमरे से डरती है, मैं यही कहूँगा। और वो डरती है ये बात सच साबित इसलिए हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हमारे झुंझुनू जिले के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का जो आदेश था उसकी पालना में हकीकत में हाल क्या है। अब आप इसे क्या कहेंगे, मेरी नजर में तो पुलिस सीसीटीवी कैमरे से डरती है, शायद इसलिए ऐसा नहीं हुआ होगा। आप जरूर कमेंट करके बताएंगे इस बारे में आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।